रामावट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामा कृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, काम अंधा होता है। काम अर्थात सेक्स। सेक्स करने की इच्छाएं सभी प्राणियों की होती है, पर इसमें विकृत अवस्थाएं कब आती है? आपने देखा होगा, कुछ बच्चे हस्पतों से पीड़ित होते हैं, वो दुस्साहसी नहीं होते हैं, वो बड़े कमजोर होते हैं। और जो लोग हस्मतन नहीं करते हैं, तो उनके शरीर में जो वीर्य उत्पन्न है उसको निकालने के लिए कहीं पे भी ऐसा दुस्साहस कर लेते हैं, जिससे उन्हें ये पता नहीं चलता है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या क्या कष्ट हमें सहन करने पड़ेंगे। मनुष्य एक सामुदायिक प्राणी है और समूह में रहना होता है, और समूह के अंदर मान मर्यादा इज्जत होती है। तो काम अंधा होता है, इसके बारे में मैं आज आपको बता दूं कि जब अंधा होता है तो उस अंधे को ये पता नहीं होता है कि मेरा हश्र क्या होगा। ये सब जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर उन्नत सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ काम अंधा होता है। जो लड़के बचपन में हस्मतुन कर लेते हैं, तो वो लोग कोई बलात्कार वगैरह नहीं कर सकते हैं, उनमें कमजोरी की वजह से हमेशा आंखें चुराने की स्थिति होती है। और जो वीर्यवान है, जिसने बचपन में हस्मतुन नहीं किया है और कामुक प्रवृत्ति का हो जाता है और इतना अंधा हो जाता है, उसे ये पता नहीं रहता है कि मैं किसके साथ में ये काम क्रीड़ा करता हूँ। वैसे ही कुछ आज एक न्यूज कटिंग मुझे मिली है, मैं आपको बता दूं, दैनिक भास्कर जो उदयपुर से प्रकाशित है, उसके अंदर एक न्यूज छपी है, उसमें आप देखेंगे आज 15 अप्रैल 2021 दैनिक भास्कर उदयपुर, झुंझुनू घर के बाहर खेल रही थी 12 साल की मूक बधिर बालिका से दुष्कर्म। मुकंदगढ़, झुंझुनू घर के बाहर खेल रही 12 वर्षीय मूक बधिर बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एचएसओ रामस्वरूप बराला ने बताया, 11 वार्ड 11 निवासी पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दी कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे उसकी मूक बधिर बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी सहसवास निवासी होशियार सिंह आया और उसकी बेटी को 10 रुपए देकर बहला फुसला कर पानी की टंकी के पास ले गया, वहां दुष्कर्म किया। थोड़ी देर बाद जब घर के बाहर बेटी को नहीं देखा तो वह बाहर निकली, तब बेटी सामने से रोते हुए आ रही थी। उसके पास में वह बेटी को लेकर इसके बाद वह बेटी को लेकर थाने पहुंची और एचएसओ ने बताया, सूचना के बाद SC ST सेल के DSP देवेंद्र सिंह घटनास्थल पर जाकर मौका देखा व अन्य जानकारी जुटाई। एचएसओ ने बताया कि पीड़िता का बोर्ड से मेडिकल करवाया है। अब आप देखते होंगे कि काम अंधा होता कि नहीं होता है। वो व्यक्ति जो हस्मतुन नहीं करता था, उसे कहीं पे भी मैथुन करना एक उसकी आवश्यकता थी, पर काम में अंधा हो गया कि एक छोटी बच्ची के साथ में मैं ये क्रिया क्यों करूं, ये उसके दिमाग में नहीं आई। अब हो सकता है उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। क्षणभंगुर एक तूफान होता है, एक क्षणभंगुर ये हैवानियत होती है, वीर्य पे कंट्रोल नहीं कर पाना। दो प्रकार के लोगों में ये पाया गया है, जो हस्मतुन से पीड़ित हैं वो वैवाहिक जीवन में दुखी हो जाते हैं, और ऐसे लोग सामाजिक में दुखी होते हैं और सामाजिक में घृणा के पात्र हो जाते हैं कि ये अपने काम निकालने के लिए हस्मतुन नहीं करते, और ये दूसरी जगह पे कहीं पे भी इस प्रकार से जो गलत काम करते हैं तो समाज में उनके लिए अच्छा संदेश नहीं है। अर्थात हमारे समाज में ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ाया जाता है, काम पे नियंत्रण कैसे रखा जाता है ये भी बताया जाता है। अल्प काम हो या अति काम हो, संतुलन रखना जरूरी है। अगर आप काम में कमजोर हैं तो काम को बढ़ाया जा सकता है, और अगर आप काम से ज्यादा पीड़ित हैं तो उसको कम भी किया जा सकता है, उसके लिए संतुलन जरूरी है। अगर आपको कोई कठिनाई परेशानी है तो सार्थक टिप्पणी करेंगे तो टिप्पणी का जवाब दूंगा, और किसी भी प्रकार से मेरे जो नंबर दिखते हैं आप फोन करने की प्रयास करेंगे तो मेरे लिए संभव नहीं है। व्हाट्सएप पे एक सवाल का जवाब दिया जा सकता है, या पहले व्हाट्सएप पे समय लिया जाता तो उनको मैं जवाब दे सकता हूँ। सार्थक टिप्पणी करते रहिए, मिलते हैं नए अपडेट वीडियो के बाद में।
तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।